इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कहर कोरोना का जारी है। आज बेलगाम जिला में फिर 150 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो 130 के करीब डिस्चार्ज भी किए गए। कोरोना से तकरीबन 10 से भी ज्यादा अफरादों की मौत होने की इत्तला हासिल है। मरीजों की परेशानियां आज भी कम नहीं हुई है, तो निजी अस्पतालों की मनमानी में भी कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ डर खौफ की वजह से मरने वालों की भी तादाद बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अस्पताल भरे हुए हैं, कोई बेड खाली नहीं की बात सुनने में मिलती है। और बढ़ते मरीजों के मद्देनजर यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी तरह ज्यादा बेड का इंतजाम करे। बेलगाम शहर में एक नहीं ऐसे कई वाकये पेश आ रहे हैं, और वो भी हर रोज पेश आ रहे हैं, जो मरीज अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ देते हैं। भेंडी बाजार के मशहूर कपड़ा व्यापारी का भी अस्पतालों में दाखिला ना मिलने की वजह से इंतकाल हो गया। वो दर दर ठोकरे खाते रहे, दर दर अलग अलग अस्पतालों के सामने जाते रहे, लेकिन किसी ने जो है उन्हें दाखिला नहीं दिया। पर क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है कि आखिर यह मामला कब थमेगा, और कितनी जाने अस्पताल हुकूमत और डॉक्टरों की लापरवाही से जाती रहेंगे? क्या सिर्फ उसकी मुकद्दर में मौत थी कहने से सभी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे? यकीनन मौत मुकद्दर है, दवा जरिया है, और इसी में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। अल्लाह किसी जरिए के बहाने मरीज को जिंदगी बख्शता है, पर क्या वो लोग वाकई अपनी जिम्मेदारी पूरे इंसाफ के साथ निभा रहे हैं? यह लम्हे फिक्र है। अस्पताल की जरूरत है जहां पर गरीब नादार मजबूरों का इलाज हो सके। दरअसल सरकारी अस्पतालों का कयाम इसी मकसद से हुआ था, पर आज अवाम का भरोसा जीतने में कहीं तो सरकारी अस्पताल नाकाम हुए हैं, ऐसा अवाम का कहना। बेलगाम जिला ने अब पॉजिटिव मरीजों का 10,000 का आंकड़ा पार किया है, तो पूरे मुल्क में 30 लाख का आंकड़ा पार किया हुआ। लेकिन हमारे वजीर आजम और वजीर दाखला प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सब कुछ ठीक है का नारा लगाते हैं। बेलगाम में बढ़ते मरीजों के मद्देनजर लेखवी और रोम रेसिडेंसी की पहल से पहला कोविड सेंटर की शुरुआत आज इतवार से की गई। हुकूमत की जानिब से निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर शुरू करने की हिदायत की गई। महाराष्ट्र कर्नाटक का तनाजा बढ़ने के इम्कानात फिर रोशन। बेलगाम शहर अब हादसों का नहीं बल्कि तनाजों का शहर बनता जा रहा है। वैसे बेलगाम में मराठी कन्नड़ इख्तलाफ काफी पुराना है, पर मराठी लोग बेलगाम में काला दिन मनाते हैं, तो कन्नड़ की जानिब से राज्योत्सव मनाया जाता है। पहले कभी बेलगाम में काले दिन के तौर पर बंद बड़े ही सख्ती से किया जाता था, पर धीरे धीरे महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तहरीक सर्द होते गई और मराठियों ने MES की तरफ पीठ फेर कर हिंदुत्व की भाजपा का रुख तैयार किया। जाहिर है जहां 8 MLA और MP MES से जीतते थे, अब भाजपा की जीत होना शुरू हुई। पर कुछ मामलों से फिर मराठी कन्नड़ तशद्दुद को हवा देने की साजिश शिवसेना की जानिब से करने के इम्कान नजर आ रहे हैं। लिहाजा मंगुत्ती मामला सुलझाने के बाद भी शिवसेना महाराष्ट्र की जानिब से शिवाजी का पुतला बिठाने का ऐलान किया गया। इनका कहना है कि 15 दिन पहले कहा गया था कि जिस जगह पर शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया गया था वहीं पर गांव वालों से मशवरा कर बिठाया जाएगा। वाजा रहे कि मंगुत्ती गांव में पुतला बिठाने को लेकर कन्नड़ तंजीमों ने ऐतराज किया था, जिसके बाद शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया गया था वहीं पर गांव वालों से मशवरा कर बिठाया जाएगा। उससे पहले शिवाजी महाराज के पुतले को उतारा गया, जो अब तक नहीं बिठाया गया। मंगुत्ती गांव में पुतला बिठाने को लेकर कन्नड़ तंजीमों ने ऐतराज किया था, जिसके बाद शिवाजी पुतले को वहां से हटाया गया था। पर अब फिर से शिवसेना कोल्हापुर महाराष्ट्र के सदर विजय देव ने और संजय पवार ने 15 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि कवलीकट्टी से मनगुट्टी तक पैदल यात्रा कर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी, और वो भी लट लेकर चलाई गई, और 15 दिन में महाराष्ट्र से बड़ा शिवाजी महाराज का पुतला लाकर बिठाया जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं बिठाया गया तो। महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक रियासत के वजीर आला येडियुरप्पा को खत के जरिए शिवाजी पुतले को हटाना मराठियों का ही नहीं पूरे मुल्क के शहरियों की तौहीन बताया, लिहाजा इसे फौरन बिठाया जाए। पुतले को बिठाने का इंतजार 24 तारीख तक करेंगे, 25 तारीख को महाराष्ट्र से पुतला लाकर बिठाया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के सख्त रवैये से माहौल में तशद्दुद फैल सकता है। क्या कन्नड़ मराठी तशद्दुद कायम करने का किसी सियासी पार्टी का मंसूबा तो नहीं? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया।
अल्लाह।